जीवन के साथ आते हैं। उस वक्त नाम हमारे साथ नहीं होता, पर जीवन हमारे साथ होता है। यहाँ से जाते वक्त नाम तो साथ होता है, पर जीवन साथ छोड़ देता है। इस जिंदगी के सफर में हमें जिंदगी को अहमियत देनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों हम इसमें स्वार्थ नाम का जहर खोलकर इसे नासूर बना देते हैं। मेरा नाम है राजू, राजू श्रीवास्तव। यह है मेरे प्यारे पिताजी और यह है मेरी माँ। आ गया बेटा, चलो पैसे निकालो। ए, राजू रुको। सीतापुर गांव में मेरा एक छोटा सा परिवार बसा हुआ था और वहां पर सिर्फ एक ही स्कूल था, वो भी हिंदी मीडियम। हारो फूल बरसाओ। बाबू ने खाना खाया? आप खिलाएंगे सोचकर इंतजार कर रही थी। अब खिलाना भी पड़ेगा क्या? वो भी आप आकर। अच्छी अगर मुझे पता होता कि आप इतने नॉटी हैं तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। इतनी हॉटी बेबी मेरी जिंदगी में आई तो नॉटी होना तो बनता है ना। क्या कर रहा है यहाँ? इस वक्त अपने रूम में बैठकर तुझे होमवर्क करना चाहिए। आपको भी इस वक्त रसोई घर में अपना खाना बनाना चाहिए ना। चलो चलो वरना सबको बता दूंगा। तुम रुको, मैं देखता हूँ। अरे यार, इसको कमीशन देना पड़ेगा। एक बार किसी को बताना मत। ये अपुन का स्टाइल है। ए, राजू। हाँ पापा। एक मिनट इधर आओ। हाँ बोलो। ये क्या राजू, मैंने सुना है कि तुम घर वालों से रिश्वत लेते हो, ये सच है क्या? सच है या झूठ है बताने के लिए आप मुझे कितने पैसे देंगे? कम से कम एक बार कुछ ऐसा कर कि तेरे बाप का नाम रोशन। क्या करना चाहिए? हाँ पापा, सर उठाइए तो। हाँ हो गया। ये राजू, चलना है, मैं जा रहा हूँ। माँ पैसे निकालो। राजू, राजू जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। इसे हमेशा अपने पास रखना। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है ये हमेशा तुम्हें बताता रहेगा। इसे अभी नहीं खोलना, ये अभी समझ में ही नहीं आएगा। जब तुम 15 साल के हो जाओगे तब इसे खोलना। इसे हमेशा अपने पास रखना तो तुम अपने पिताजी को हमेशा अपने पास पाओगे। आप तो यही रहोगे ना पापा? हाँ बेटा। अभी मेरे पास सिर्फ इतना ही है। पापा को वॉकिंग स्टिक की जरूरत है, बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। मुझे दे दीजिए प्लीज अंकल। ठीक है ले लो। ये लीजिए। Thank you.
जीवन में सबसे जरूरी क्या होता है, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक लाइन जीवन का मतलब समझाएगी? ठीक है। अरे बच्चों, ऐसे मत भागो। राजू इधर आओ बेटा। हाँ चाचा, हमारे गांव में जो नए बैंक मैनेजर आए हैं ना, हाँ? उनके घर कोई फंक्शन है, ये नारियल जरा उनके घर पहुंचा दो। अच्छा ठीक है। अरे जरा पानी तो लेके आ। तुम भी जरा। अरे इसे क्यों भेज रहा है, ये नहीं जाएगी तो तू ही लेके आ जा। ठीक है। सर इसे कहाँ रख दूँ? वहाँ स्टोर में। अच्छा ठीक है। बहुत भारी है, पूरा बदन दर्द कर रहा है। अरे चुप। अगले महीने हमारे स्कूल के कुछ बच्चे शैक्षणिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो तुम सब 10वीं और 11वीं कक्षा के लड़कों को हर तरह की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अरे यार, ये मास्टर तो सुबह सुबह चालू हो गया। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लो। ये क्या करेंगे? ये है मेरी बेटी विद्या, आज से इसी स्कूल में। सर मुझे एक डाउट है। चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ? तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? एक और एक 11वीं क्लास में। और तुम? 11 से एक कम 10वीं क्लास में। और हाँ, कल जो हुआ वो प्लीज किसी को स्कूल में मत बताना। क्या यही कि तुम जवान हो गई हो? वो नहीं। लेकिन ना, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी है। कल मैं भी तो जवान हो गया, पर मेरी तो किसी ने आरती नहीं उतारी। हे, कैसे जवान हुआ ये नहीं पूछोगी क्या? वो मेरे दिल में उतरती चली गई और मैं उसके प्यार में पागल हो गया। सॉरी, कहीं लगी तो नहीं ना? जहाँ लगना था वहाँ तो लगी गया। मतलब तुम भी अच्छे से जानती हो। मुझे ना छतरी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो दूर दूर रहने वालों को पास ले आती है ना, इसीलिए। क्या बोलती है, मूवी चले क्या? पुराना मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे घर में ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करते। और तुम्हारे? नहीं, मेरी भी कोई नहीं है। क्यों? मुझे तुम्हारे घर वाले पसंद नहीं करेंगे ना, इसीलिए। मतलब? मतलब तुम्हारे घर वालों की तरह मेरे घर वाले भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सब विद्या पाने के लिए स्कूल जाते रहे और मैं विद्या के साथ ही वक्त बिताता रहा। उसे भी मेरा साथ बहुत पसंद आता था। अब उस उम्र में इसे प्यार कहते हैं या आकर्षण, ये मुझे नहीं पता था। मुझे बस उसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, ऐसा महसूस होने लगा था। मेरे लिए वो मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। पिताजी की दी हुई चीज का मतलब मैं अब समझने लगा था।
जिंदगी में क्या बनना है ये सोचे बिना ही मैं उसकी वजह से कवि बन गया और वो मेरे कविताओं की प्रेरणा बन गई। अरे मौसी ये सामान क्यों ले जा रहे हैं? सब उनका ट्रांसफर हो गया है, ये लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। जगह पर नहीं रखता। क्यों रे, सुबह से बड़ा उदास लग रहा है तू? एग्जाम में फेल हो गया क्या? इसीलिए सब कहते हैं मन लगाकर पढ़ना चाहिए। मन लगाने से ही फेल हो गया ये सोचकर बुरा लग रहा है। क्या मतलब? मन लगाया पर विद्या नहीं मिली ना। ला दिखा क्या पढ़ रहा है। लड़कों का कैरेक्टर क्या है ये फर्स्ट पेज देखकर नहीं पता चलता, लास्ट पेज देखना चाहिए। पहले पहले प्यार की पहली प्रेम कविता। मैं तुझे स्कूल भेज रही हूँ चार अक्षर पढ़ने के लिए। माँ ये चार अक्षर ही तो पढ़ रहा है, L O V E हुए ना चार, है ना रे? तू चुप बैठ। क्या रे, बहन की शादी में एक हफ्ता भी नहीं बचा, ना बाप का सहारा है, घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या करूँ इसका, कब सुधरेगा। अरे भाभी क्या हो गया? क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो? वो भी ऐसे रूम में बंद करके। माना कि मार्क्स थोड़े कम आए होंगे, इतनी सी बात के लिए इसकी शादी की जिम्मेदारी इस पर क्यों थोप रही है? हमारा राजू अभी छोटा है दीदी। शादी की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। राजू तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए कपड़े लाया हूँ, उसे शादी में पहनकर राजा की तरह घूमना, बस मेरे साथ रहना। भाभी वो मंडप वाले कल आ रहे हैं और डेकोरेशन की बात भी हो गई है। जी फूल वाले से बात हो गई है क्या? हो गई है। और केटरिंग वाले से? अरे दीदी सब औरतों के लिए हल्दी कुंकू का भी तो इंतजाम कर रहा है। वो भी आ जाएंगे। हाँ ये फूल वहाँ भी लगा लो। राजू ये तुम मत करो। राजा कोई बात नहीं करा ना, तुम्हें कहा था ना मैंने कि राजा की तरह घूमते रहना। अरे हटो सामने से। आ जा। वैसे शादी से पहले हल्दी क्यों लगाते हैं पता है? क्योंकि त्वचा रूखी होती है, उसे चमकदार बनाने के लिए। नहीं, अक्सर हम जख्मों पे हल्दी लगाते हैं। पूरे शरीर पे हल्दी लगाने का मतलब है शादी कितना बड़ा जख्म है। ये बात हमारे बड़े बुजुर्गों को पहले से ही पता थी। क्यों तुमको पता नहीं क्या? देखो क्या बोल रहे हैं।
उस दिन से मुझे लगने लगा कि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे घर वाले ही सिर्फ मेरा साथ देंगे। ये भावना मेरे दिल में बढ़ती चली गई। दिल क्या करे जब किसी हम तुम एक कमरे में बंद हो। देख कितनी मस्त लड़की जा रही है। हेलो राजू। हाय। क्या हुआ, इतना लेट क्यों हुआ? अरे बस लेट हो गई, मैं थोड़ी ना लेट हुआ। अरे ये पक्का किसी लड़की के चक्कर में पड़ा है यार। स्टूडेंट्स आज हम ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सर राजू को अर्जेंटली घर बुलाया। हाँ? माँ माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ 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 दीदी क्या हुआ माँ? अचानक दिल में दर्द होने से गिर पड़ी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन्हें खबर दे दी है, आते ही होंगे। आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा माँ। डॉक्टर आप उनके बेटे हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब। देखिए हमें अर्जेंटली उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, उसमें थोड़े पैसे खर्च हो सकते हैं। आप जल्द से जल्द पैसे जमा करवा। अच्छा ठीक है। ओके अब राजू के आते ही ज्यादा दिलदार बनने की कोशिश मत कीजिएगा वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बस हमारे ऊपर भी कई जिम्मेदारियां हैं, कब तक आप मेहनत करके अपने इन घरवालों पर लौटाते रहेंगे? कोई मरे या जिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसी बात नहीं मैं है। आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली, चुपचाप मेरी बात मानिए। बस बहुत दान धर्म हो गया, अब हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। क्यों समझ गए ना? राजू इधर ही आ रहा है, एक काम करो मुझसे झगड़ा करने का नाटक करो, अपना सूटकेस लेकर निकल जाओ। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, जल्दी उठाओ और निकलो। शांति 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 मेरी बात सुनो। शांति कहाँ जा रही हो? यहाँ तो मेरी फिक्र किसी को है ही नहीं। 15 साल से मैं अपने टूटे पैर को लेकर यहाँ पड़ी हुई हूँ और इनको देखो ऐसे महारानी के पीछे दौड़ रहे हैं जैसे कि आज ही मर जाएगी। आखिर कहाँ रह गया आपका भाई? आधा घंटा बोल के गया था, पूरा दिन बीत गया। अगर देर होने की वजह से आपकी माँ को कुछ हो गया तो मेरी जवाबदारी नहीं होगी। कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं ना? भगवान बहुत दयालु है, शुक्र है किसी तरह आपकी जान बच गई। राजू जरा पानी तो पिला। हाँ, पानी लाओ, पानी लाओ। अरे जल्दी से पानी। हाँ हाँ दे, ये लीजिए। रहने दीजिए। रामू भैया जरा माँ के लिए पानी ले आओ। हाँ जी। कोयल की तेरी बोली। ए राजू, अरे जल्दी आना, इतनी देर करता है, जल्दी निकल यार। हे वहाँ क्या कर रहा है, अंदर आना। अरे चलना, हमें देर हो रही है। राजू भाई अंदर चलना, कुछ खाकर चलते हैं। ए पागल हो गया तू? ए मैं भले ही तेरा दोस्त हूँ लेकिन मैं छोटी जात का हूँ, तेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। ए तुझे कौन रोकता है, मैं भी देखता हूँ, तू चुपचाप चल। ए राजू अरे चल ना, बोला ना चल, कुछ नहीं होगा मैंने कहा ना, चल बस चुप, एकदम चुप चल। ये ले पकड़, लेमन राइस है, माँ ने बनाया है, पेट भर के खा। राजू ये क्या कर रहे हो, हमारे घर में रिश्तेदारों के अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं है, भूल गए हो क्या? ए रिश्तेदार सिर्फ अच्छे वक्त में काम आते हैं। ए राजू ए तू चुप करना, ये सारे रिश्ते बस नाम के ही होते हैं लेकिन जिस रिश्ते में सच्चाई होती है ना दोस्ती कहते हैं उसे। राजू जिंदगी भर तुम्हारे साथ हम रहेंगे, याद रखो। मरने के बाद तो कंधा देने सभी आ जाते हैं लेकिन जब सर पे मुसीबत आती है ना तब कोई साथ नहीं देता। बुरा टाइम देखते ही सारे रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं लेकिन ये जो दोस्त है ना ये लोग कभी साथ नहीं छोड़ते, हर वक्त साथ रहते हैं। मेरे लिए तुम सभी रिश्तेदारों से अच्छा इसके जैसा एक दोस्त ही काफी है। ए, ए, तो साथ चल। ए, राजू चल ना।
कैसे हो चाचा? हाँ, अरे तीरथ जाने की उम्र में आप ये तवा गरम कर रहे हो मिस्टर कैलाश। वैसे आपके यहाँ गर्मा गर्म क्या मिलेगा? बगड़े हैं। उससे गर्म तवा है, उससे भी ज्यादा गर्म जली हुई लकड़ी है। मिल गया, मुझे इसका इंतजार था। जस्ट अ मिनट, वो क्या है कि मुझे सिगरेट जलानी है। मिस्टर कैलाश, नाउ टी। हाँ ठीक है। ए, और बता तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? है अब कैसा मैरिड लाइफ, एकदम ही जेल की तरह है। शाम के 6 बजते ही घर से बाहर नहीं निकल सकता, दारू पीना मना है और दाढ़ी बढ़ाना मना है। साला बेस्ट हो गया है पूरा लाइफ। ए ठीक है यार, मेहरारू इंतजार कर रही होगी, अब चलते हैं। हाँ, ओके बाय। जा जा जोरू के गुलाम, तू घर ही जा। अरे यार बेचारा फंस। हेलो दोस्तों, कुछ पैसे हैं तो दे दो यार, कल मुझे आर्मी में रिपोर्ट करने जाना है। अरे अब तू भी जा रहा है? हाँ यार कल मैं जा रहा हूँ। मिस्टर कैलाश 60। हाँ देता हूँ। मेरे घर वाले भी लड़की देख रहे हैं यार, पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब कब तक घर पे बैठा रहूँगा? घर वाले रोज ताने मारते हैं। मेरी भी यही प्रॉब्लम है यार, मेरी भी गर्लफ्रेंड मुझे रोज ताने मारती है। समझ में नहीं आता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ये सब क्या चल रहा है यार? मिस्टर कैलाश 3T। हाँ हाँ। मिस्टर कैलाश नाउ 2T। हाँ ठीक है ठीक है। राजू मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरी जॉब लग गई है, तो मुझे भी बैंगलोर जाना पड़ेगा यार। क्या रे, एक तू ही तो साथ था, अब तू भी चला जाएगा? राजू अब तुम्हें क्या दूं बेटा, अकेला हो गया हूं चाचा, एक ही चाय दे दो। इसीलिए तो बड़े लोग कहते हैं कि हाँ उद्योगम पुरुष लक्षणम, दुख हो रहा है सारे दोस्त चले गए इसीलिए। यही तो जीवन है बेटा, पेट का सवाल है, इसीलिए तो सब लोग काम की तलाश में चले गए। वो देखो लोग अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जान रहे हैं। बिना हाथ वाले इस बूढ़े इंसान का जब भविष्य हो सकता है तो तुम्हारा भविष्य तो अच्छा ही होगा। जाओ काम की तलाश में निकल पड़ो, जिस इंसान के पास काम नहीं होता वो इंसान किसी काम का नहीं होता। मांगने वाला, चिल्लर डायलॉग मारने वाला, टिकट के पीछे चिल्लर पैसे बाकी लिखने वाला, मुझे चिल्लर कंडक्टर समझ रखा है क्या? नो। चिल्लर मांगने वालों को नोट देने वाला, धक्का खाने वालों को सीट देने वाला, स्टॉप आने पर लोगों को आगे करने वाला, बात बात पर मस्त पंच मारने वाला, इस देश का झकास झकास कंडक्टर हूं मैं। बोलो बोलो टिकट टिकट टिकट। ए चाचा टिकट काटो क्या? क्या बेटा मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और तू मेरी ऊपर की टिकट काट रहा? अरे मैं उस टिकट की बात नहीं कर रहा, इसकी कर रहा हूँ। ऐसा क्या? चाचा लूंगी नहीं पहनता पर पुंगी अच्छी बजा लेता साला बड़ू। हाँ हाँ। ए बोलो बोलो टिकट। ए हेलो टिकट। अबे क्या कर रही है? अबे फालतू बात क्यों कर रहा है? टिकट देने का काम तो तुम्हारा है, टिकट देने के बजाय मेरे से टिकट टिकट बोलता है, पैसा मांगना। ए भगवान ये लो पैसे लो। ये टिकट टिकट। सर ये बैंगलोर की बस है? हेलो अबे सरकारी बस है बेस्ट की। ये दक्षिण से जाएगी या पश्चिम से? रोड से जाएगी। तुम्हें कहाँ जाना ये बताओ यार। बैंगलोर जा रहा हूँ सर, फर्स्ट टाइम गांव से शहर जा रहा हूँ। ओ आप तो रोज शहर घूमते हैं ना, मुझे बताएंगे बैंगलोर सिटी कैसी है? खेतों में लोटा लेकर पॉटी करने वाले माई डियर विलेज बॉय, बैंगलोर शहर तुम्हारे गाँव जैसा नहीं है, वो तो एक माया नगरी है। तुम्हारे गांव में 20 रुपए बचाने के लिए 20 मिनट चलते हैं और वहां 20 मिनट बचाने के लिए 20 रुपए खर्च करते हैं। सब लोग घर से जल्दी निकलते हैं पर वक्त पर कोई कभी नहीं पहुंचता। सोशली कनेक्ट रहते हैं, प्रैक्टिकली अकेले रहते हैं और मेंटली हिले रहते हैं। प्रॉब्लम फेस ना कर पाए तो फेसबुक में घुसे रहते हैं। हिंदी बोलने वाले को समझते हैं गवार और हमेशा अंग्रेजी अंग्रेजी। स्मार्टफोन रखने वाले हमेशा कहते हैं लाइफ इज बोरिंग और स्लम में रहने वाले लाइफ इज ब्यूटीफुल बोलकर एंजॉय करते हैं। फोन के गिरने पर रोते हैं और दोस्तों के गिरने पर हंसते हैं। सिग्नल गिरने पर नहीं रुकते पर बिल्ली रास्ता काट जाए तो पक्का रुकते हैं। गरीब वहाँ मजदूरी करता है और अमीर वहाँ चोरी करता है। पैरों में पहनने वाले जूते चप्पल एसी रूम में रखकर बेचते हैं और खाने की चीजें रस्ते पर बेचते हैं। फैमिली डिटैच हो जाती है पर टॉयलेट हमेशा अटैच रहता है। गरीब लोग खाने की तलाश में भूखे पैसे भटकते हैं और अमीर लोग 5-स्टार होटल में जाकर खाना बर्बाद करते हैं। मतलबियों की तिजोरियां भरी रहती हैं और जिनका दिल बड़ा होता है उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती। पैसे कमाने के चक्कर में पहले अपनी सेहत बिगाड़ते हैं और फिर उसी सेहत को बनाने के लिए अस्पतालों में पैसे बर्बाद करते हैं। फाइनली मेरे कहने का मतलब ये है, वहाँ भूखे पैसे भटकने वालों से ज्यादा प्यार में अपना कटवाने वाले ज्यादा है। दिस इज बैंगलोर। अरे बाप रे बाप,
इतना बड़ा शहर ये, अपने गांव का तो मैं अकेला ही राजा था। ठीक से पढ़ा भी नहीं हूँ, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ। गांव में तो कार्टून भी हिंदी में बात करते हैं, तो इन कार्टूनों को हिंदी में बात करने में क्या तकलीफ है? राजू, अरे आजा मेरे शेर, कैसा है मेरे भाई? अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गया, अब मेरा दिल खुश लगेगा। You got it, na? Nice, na? Thank you. Boss, good morning, boss. ये आपकी कार है क्या? हाँ बच्चों, ये बेंज कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मेहनत करना, अभी जितना कर रहे हो उतना नहीं, 24 आवर्स इन अ डे, हफ्ते में 9 दिन बिना आराम किए मेहनत करते रहना, फिर ये बेंज तो क्या, मैं फेरारी भी बहुत जल्दी ले लूंगा। You got it, na? Nice, na? Thank you. मेरे मेहनत करने से ये फेरारी कैसे लेगा? आज मैं ऊपर आसमान। गुड मॉर्निंग सर। हाय सानिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आज फादर्स डे है क्या? नहीं तो आप रोज ये सवाल क्यों पूछते हैं सर? क्योंकि फादर्स डे से मेरे को एलर्जी है, मैं नहीं चाहता कोई अचानक आकर मुझे फादर्स डे पे हेलो फादर्स डे विश करे। मेरी पत्नी बहुत स्ट्रिक्ट है, उसे अभी तक बच्चा नहीं हुआ ना, बस इसीलिए। क्या रे, आज तुझे काम धंधा नहीं है क्या? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये देखने आया क्या? सर फोन आ रहा है सर। फोन कैसे आएगा, फोन तो यही पड़ा है ना। मतलब कि आपका फोन बज रहा है सर। और किसका होगा, मेरी पत्नी का ही होगा, उसे ना मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, बार बार फोन करके अब कहाँ है क्या कर रहे हैं पूछती रहती है। हमेशा फेंकता रहता है ये। हाय जानू। अरे सुनिए आप कहाँ हैं? क्या जानू, ऑफिस के लैंडलाइन पर फोन करके पूछ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ? मैं फोन को अपने गले में बांध कर घूम रहा हूँ क्या? काम खत्म करके सीधा घर आना। काम खत्म होते ही सीधा तुम्हारी गोद में आकर गिरूंगा। बाय सोना, बाय उरी। सर अभी आपने फोन पे उन्हें उड़ी कहा, वो किधर उड़ गई सर? कहीं नहीं उड़ी, मेरी पत्नी का नाम उर्मिला है, प्यार से मैं उसे उरी करके बुलाया। नाइस निकनेम सर। वैसे सच में कहीं उड़ जाती तो बहुत अच्छा होता। सर मेरा दोस्त अभी गांव से यहाँ पर आया है, अपनी कंपनी में उसे एक नौकरी दे दीजिए सर, प्लीज सर। कल इंटरव्यू में लेकर आना, इंटरव्यू के बाद सोचेंगे, समझा? माँ। हाँ बेटा। मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। अच्छा। काम मिलने के बाद यहाँ पे घर भी ढूंढ लूंगा। अच्छा बेटा। फिर आप भी यहीं आ जाना। अच्छा, अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। हे भगवान, इंटरव्यू लेने वाला बस हिंदी में ही बात करे, मदद करे। क्या बस, इंटरव्यू की टेंशन ले रहे हो क्या? डर लग रहा है? ऐसी कंपनी में काम पाना हो तो शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। ए इंटरव्यू कैसा था? सिलेक्ट हो गई मैं। वो थोड़ा सा उस टाइप का है मुझे पता चला, इसलिए शर्ट के दो बटन्स खोले और थोड़ा सा नखरा दिखाया और बस बकरे ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। शॉर्टकट मिल गया। मे आई कम इन सर? वेट, 75 kg सर। थैंक यू सर। एक्सपीरियंस है क्या? नहीं सर, ये मेरा पहली बार है। सॉरी सॉरी, एसी ऑफ था लगता है, नजर नहीं पड़ी। देखिए सर, सर अब दिख रहा है, देखिए सर। राजा ये ना। कैसा ऑफिस है ये? काम के लिए बुलाते हैं, ऊपर से कपड़े उतरवाते हैं, फिर काम भी नहीं देते। उतारो उतारो मेरे को। हे भगवान, मैं तो कोई शॉर्टकट नहीं लूंगा। अरे इतनी देर हो गई, पता नहीं इंटरव्यू में क्या हुआ होगा। राजू क्या हुआ बता। अरे कुछ नहीं हुआ यार, मैं अंदर गया, उन्होंने चेक किया कि मेरी बटन खुली है या बंद है, उसके बाद पूछा कि फादर्स डे कब है ये बताओ। जैसे तूने बताया था मैंने वैसा किया और मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे शेर तूने कमाल कर दिया, आई लाइक इट। यार कौन है? तू उसके बारे में मत पूछ, वो मेरी कुची 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 कू, आई एम कुची कुची रकमा पास आए ना। एक्सक्यूज मी,
आपके पेन में इंक है क्या? अगर है तो इसे जरा अपना फोन नंबर लिख कर दिखाओ। अरे बात मान गई, नंबर लिख रही है। ओ अच्छा, तो ये आपका नंबर है। पता है मेरे गांव के लड़के ना इस नंबर को अपना ससुरा का नंबर बोलते हैं। मेरे ससुर जी ने मुझे याद किया है, कल वो मुझे सिग्नल पर मिले थे। खैर जाने दो, दहेज में ज्यादा मांग लूंगा। हाँ डिग्री तो हासिल कर ली, फिर भी अंगूठा लगाना पड़ रहा है। ये क्या? ये तो बेताल की तरह इसके पेट पे चढ़ी हुई है। बाय, सी यू टुमारो। हाय निशा, आज लेट कैसे हो गई? कौन है वो? क्या नाम है उसका? सुरेश, नरेश, अर्जुन, व्हाटएवर। एक हफ्ते से मुझे घूर घूर के तंग कर रहा था। अच्छा, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी ना, वो उसे अंदर करके अच्छा सबक सिखा देते। उससे अच्छा सबक तो उसकी गर्लफ्रेंड बन के सिखा रहे हैं। हमेशा फ्री हो क्या पूछता रहता था। अब मैं कितनी एक्सपेंसिव हूँ उसे पता चल गया होगा। इतना सब कुछ होने के बाद तो उससे पीछा कैसे छुड़ाएगी यार? उसके लिए ट्रिक है यार। पहले जैसे चाहूंगी उसे चेंज कर दूंगी और फिर बाद में बोलूंगी तुम चेंज हो गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे, और ये रीजन देगी मैं ब्रेकअप कर लूंगी। सो तुम पहले लड़कों को चेंज करती हो, उसके बाद सीधा उन्हें चेंज ही कर देती हो। उन बेचारों को क्या पता कि तुम कितनी चालू चीज हो। जब तक पकड़े ना जाओ तब तक अच्छे ही कहलाते हो। बाय, सी यू। हे, हू आर यू मैन? मैडम मैंने आज ही ज्वाइन किया है। अरे ये नया पट्टा गले में डाल दिया। आपको यहाँ पे क्यों काम पे रखा जा रहा है आपको पता है? पता है ना, हर महीने पगार लेने के लिए। करियर ग्रोथिंग मैडम। ओके, वेल योर नेम इज राजू राइट? रियल नेम राजू श्रीवास्तव है। ओके, फादर्स नेम? रियल फादर नेम, फादर रियल नेम रमाकांत। हिंदी मीडियम से हूँ मैडम, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सो एज 24? रियल एज 25। सेक्स? रियल सेक्स, स्टिल वर्जिन। हेलो, मेल और फीमेल? नो मेल मैडम, ओनली फीमेल। आई एम नॉट दैट टाइप। आर यू किडिंग मी? किड मतलब बच्चे, वो तो शादी के बाद होंगे ना। हेलो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? डू यू इवन नो हू यू आर टॉकिंग टू? व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट आर यू? डू यू हैव कॉमन सेंस? लुक एट योरसेल्फ, व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? डू यू हैव एनी डिसेंसी? यू आर स्टिल स्टैंडिंग हियर? हां, इंग्लिश में बुराई कर रही है यार। अच्छा मुझे समझ में आ गया। राजू, इस कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर किए हुए 3 महीने हो चुके हैं। अच्छा, ना तो वो यहाँ आया, ना ही उसने बिल भरा। उन्हें फोन करके जल्दी से बोलो कि बिल भर दे, नहीं तो कंपनी कनेक्शन काट देगी। ठीक है, ठीक है मैडम, कर दूंगा। ओ जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मेरा ना 3रा महीना चल रहा है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, आप ही को पहले बता रही हूँ। अरे ये बात तुम मुझे पहले नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? हेलो मैडम, 3 महीने हो गए आप यहाँ पर आई नहीं। मुझे 3 महीने हो गए, ये आपको कैसे पता चला? क्या मैडम, ये सब तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है ना। रिकॉर्ड रखा है क्या? हाँ मैडम, ला मुझे दे। ए कौन बोल रहा है? सर मैडम को यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं, पहले तो वो यहाँ रेगुलर आया करती थी। सर ये तो गलत बात है। ए क्या बकवास है? आप खुद ही देख लीजिए सर, मैं आपको मेल करता हूँ, आप चेक कर लीजिए। तू मेल करेगा? सर पैसे देकर मामला क्लियर कीजिए ना, फिर हम फोन करके आपको परेशान नहीं करेंगे सर। अगर पैसे नहीं दिए तो? पैसे नहीं दिए तो हमें आपका कनेक्शन काटना पड़ेगा सर, और दोबारा कनेक्शन ज्वाइन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर, डिलीवरी का कोई चांस ही नहीं होगा। अरे कनेक्शन लगाए हुए अभी 3 महीने नहीं हुए और तू काटने की बात कर रहा है, तू है कौन? सर मेरा नाम राजू। अगर दोबारा फोन किया ना तो तेरी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगा। हाँ इतनी सी बात के लिए पुलिस कंप्लेन? हेलो कहाँ गया? अरे कहाँ? हेलो, मैं पुलिस का नाम सुनकर डर गया क्या? तू मुझे जानता सर, नहीं है, सर, मैं तुझे मारूंगा। Are you kidding me? फिर से बच्चे वाली बात? किड बच्चा, वो तो आफ्टर मैरिज। Dude, what on the earth is wrong with you, dude? Why are you doing this, yaar? Don't you even know? अपना इंग्लिश में बुराई कर रही हो तुम। Get the way how they are talking to you. I have to take all the nonsense just because of you. You're crap. अरे यार छोड़ ना उसको, ये सब इस कंपनी में कॉमन बात है, धीरे धीरे तेरे को इन सब चीजों की आदत हो ही जाएगी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले।
मैडम स्टॉप यू स्पीक फास्ट फास्ट इंग्लिश इट नॉट गो हियर यू स्पीक हिंदी इट गोज हियर दैट इज पावर ऑफ हिंदी मैडम मम्मी नहीं अम्मा इन हिंदी अम्मा मीन्स माता इन इंग्लिश मम्मी मीन्स भूत क्या बकवास मुल्क है हमारा यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी मिलती है महीने में चार छुट्टी और साल में कितनी मिलती है मैंने कभी गिना नहीं हाँ यार मैं तो जॉब को कुछ और ही सोच कर आया था और यहाँ पर आके लड़कियों से रोज इंग्लिश में नई नई गालियां सुन रहा हूँ मुझे तो इस शहर में आके कोई फायदा नहीं हुआ यार घर वालों को बता भी नहीं सकता और रोज ये बर्दाश्त भी नहीं होता ए इस दुनिया में सारे झोलर ही डॉलर कमाते हैं कभी कभी मेरा दिल करता है ये सब छोड़कर मैं वापस अपने गांव चला जाऊं वहां आराम से मैं खेती बाड़ी करूंगा अच्छा चल छोड़ ले पहले पी ले नहीं मैं नहीं पीऊंगा यार ठीक है इट्स योर प्रॉब्लम तेरा भी मैं ही पी लेता हूँ अब इसको मैं वेस्ट थोड़ी कर सकता हूँ रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा अरे यार वो देख लोग पता नहीं ऐसा क्या क्या करते हैं कि उन्हें अवार्ड मिल जाता है अरे यार मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ऐसा कहते हैं कि ऊपर वाले ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया है ए राजू तुझे याद है कि तू कॉलेज में ना हमेशा कागज में कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था तुझे याद है या भूल गया हाँ याद है अरे वही तो टैलेंट है तेरा हाँ ए तू आगे लिखना कंटिन्यू कर तू जब लिखेगा ना तो उसको हम प्रिंटिंग प्रेस में देंगे फिर उसकी बुक पब्लिश करवाएंगे और ये करना बहुत आसान है ये सारा काम तू जॉब करते करते भी कर सकता है वे सो ज्यादा सोच मत मौका है तो चौका मार दे बाकी मैं हूँ नॉट टेंशन इस दुनिया में आने के बाद कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करना चाहिए जिंदगी और मौत हमारे हाथों में नहीं होती लेकिन मौत के बाद भी इसे यादगार बनाना सर हम आपको एक शॉक वाली न्यूज देने आए हैं ऑलरेडी शॉक में क्या शॉकिंग न्यूज है आज फादर्स डे क्या नहीं सर आज कोई फादर्स डे नहीं है आप वो सब छोड़ो आपने कार का लोन नहीं भरा इसलिए वो लोग आपकी गाड़ी उठा कर ले गए अगर पहले पता होता तो मैं मैरिज लोन भी ले लेता सर सर आपकी अपनी बीवी से बनती नहीं है क्या मैं रोज जब पेपर पढ़ता हूँ ना तो मेरी पत्नी का भविष्य कैसा है यही देखता रहता हूँ क्योंकि आज का दिन मेरा भविष्य कैसा है ये भी पता चल जाता है पता है अपने देश में लड़के 18 का होते ही वोट देने के काबिल हो जाते हैं लेकिन 21 साल पूरा होने तक वो शादी नहीं कर सकते देखो सरकार को भी पता चल गया है कि वो देश को संभाल सकते हैं पर वो पत्नी को नहीं संभाल सकते हैं पत्नी को घर की ज्योति कहते हैं इसलिए बर्र करके जलती रहती है क्या कर सकते हैं यू गॉट इट नॉट नाइस ना नॉट नाइस सर वैसे सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है मैं अकेला बात कर रहा था आप लोग बात करो मैं चलता हूं सर हमें आपसे ही इंपॉर्टेंट बात करनी है सर बात करनी है क्या बात है ये तू बोल रहा है सर एक साहित्यकार की हैसियत से मेरा सम्मान किया जा रहा है ऑफिस के सभी लोग को तो नहीं जानता पर आप जरूर आइएगा मैं जरूर आऊंगा तुम तो मेरे खास हो अगर मेरी पत्नी चिल्लाए कि फंक्शन में मत जाओ तो मैं पूरे ऑफिस को छुट्टी देकर सबको भिजवा दूंगा 2016 और 17 वर्ष के उभरते साहित्यकार के रूप में हमने श्री राजू शर्मा जी को चुना इन्होंने हमारे समारोह में भाग लेकर सच में हम सबको काफी सम्मान प्रदान किया बोरिंग फंक्शन है यार बोरिंग होगा ये मैं जानती थी तभी तो तुम्हें साथ लेकर आई हूं साहित्यकार के रूप में बॉस ने तो पूरी टीम को यहां जबरदस्ती भेज दिया है राजू शर्मा सभी को मेरा नमस्कार पत्नी छोड़ जाए या खून बह जाए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस दुनिया में हमारी मातृभाषा का परचम हमेशा लहराते रहना चाहिए धन्यवाद लेकिन आज के जमाने में वो भी बैंगलोर जैसे शहर में हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा का पल पल तिरस्कार हो रहा है आज के हमारे कॉलेज के युवकों को रम क्या है पता है पर श्री राम के बारे में नहीं जानते जिन क्या है पता है पर जनता को नहीं जानते हमारे युवकों को जितना प्यार धन दौलत से है इंसानियत से क्यों नहीं हमारी महिलाओं को जितना प्यार मेकअप से है घर के कामों से क्यों नहीं और तो और आजकल की लड़कियां शहर की लड़कियां शौकिया इंग्लिश को अपनी शोभा समझ बैठी हैं पापा बोलने में शायद लिपस्टिक खराब हो जाती होगी इसलिए डैडी डैडी बोलना शुरू कर दिया है He's talking about me. ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अंग्रेजी भाषा का जन्म होने से पहले हिंदी भाषा में कई ग्रंथ लिखे जा चुके थे सीखिए मैं मना नहीं करता फोटो पे इंग्लिश भले रहे पर दिल में सिर्फ मातृभाषा रहे
कौन है ये यार, हिंदी भाषा का फैन? ये ना, ये हमारी ही टीम में है। ठीक से काम करना तो आता नहीं, हमेशा ऑफिस में इसी तरह हिंदी हिंदी बोल बोल कर इरिटेट करता रहता है। टाइम आने पर ना इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। मेरा एक सपना है उस दिन का जब यहाँ बैंगलोर के सभी लोग हिंदी में बात करेंगे। अंग्रेजी बोलने वाले समझदार होंगे पर हिंदी बोलने वाले दिलदार। तुम इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, अब तक इसे धूल चटा देती। ए हेलो, धूल चटाने के लिए ये तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड की तरह शहरी लड़का नहीं है, हिंदी मीडियम है। चाहे शहर का हो या हिंदी मीडियम, सब एक से होते हैं। लड़की देखी नहीं, ला टपकाना शुरू। इतना कॉन्फिडेंस है क्या? तो फिर मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देती हूँ, पटा लोगी इसे? इसके लिए 3 महीने क्यों, 3 हफ्ते में पटा के दिखाऊंगी इसे। देखना है क्या? चैलेंज चैलेंज, लेट्स सी। अब आएगा मजा। हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। बस 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 भाई, बहुत हो गया, चलो अभी चलो। लोगों को बस ना सेल्फी लेने का मौका चाहिए। बस करो, पूरे फिल्म के कहानी है, सुनाओगे का? मालिक ने देख लिया तो हमें उठा कर फेंक दे, चला निकला यहाँ से। हेलो चाचा, एक मिनट मेरी बात सुनो। आपको पता कि हम कौन है? कौनो मतलब ना है, निकलो, किवाड़ बंद करना है। अरे चाचा, ये माला देखो, शॉल देखो, टोपी देखो, ये अवार्ड देखो। हम लोगों को अंदर सम्मान दिया गया है चाचा, अभी सेल्फी खिंचवा कर आ रहे हैं, हम VIP लोग हैं। ऐसा का? सॉरी सर, हमरा के पता नहीं चला, हमरा के माफ कर दे। कोई बात नहीं, डोंट रिपीट इट, ओके? अरे चलो भागो यहाँ से, अवार्ड की कहानी हम बहुत सुनत रहे। 2 कौड़ी का हाथ में अवार्ड थमा देते हैं, जनता इकट्ठा करने के लिए समारोह रखते हैं, अपना फायदा के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने के लिए अच्छा धंधा खोल रहे हैं। आहा, 90% इसकी बॉडी दिखाई दे रही है, फिर भी नजर 10% पे क्यों जाती है? क्या कहा? अरे यार। हे रुको, हेलो, जरा बाइक साइड में लगा दो। बहुत शरीफ बन रहा था, अब फिर मजा चखाती हूँ। क्या बोल रहा था? मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, आप ही की कंपनी में। वो नहीं, तो देख क्या रहा था? वहाँ तो मैं अच्छी ग्रोथ देख रहा था। क्या मजाक चल रहा है? सिग्नल के पास तू बोर्ड देखकर कुछ 90% 10% कर रहा था? अरे यार, लगता है इसने सब सुन लिया। ऊपर से तो बड़ा शरीफ दिखता है और अंदर से छिछोरा है। ऊपर से कंपनी में कवि बन के बिल्डअप मारता है। दरअसल कवियों को थोड़ा रोमांटिक होना ही पड़ता है। ओह ऐसा क्या? तो फिर तो अभी जो तूने कहा वो मैं ऑफिस में सबको बता देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैडम मैडम मैडम, ऐसा मत करना प्लीज, मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा, प्लीज ऐसा मत करना। ओके, थोड़ा ही आगे कॉफी डे है, वहाँ चल के बात करते हैं। बात करनी है? फॉलो मी। बात करने के चक्कर में लंबा बिल कटेगा राजू। सर आप क्या लेंगे सर? 1 फिल्टर कॉफी प्लीज। सॉरी सर, यहाँ फिल्टर कॉफी नहीं मिलती। ये क्या बात हुई, इतनी बड़ी कॉफी शॉप में एक फिल्टर कॉफी नहीं है? सर वो तो नहीं है, ब्लैक कॉफी है, चलेगा? कोई और कलर है क्या? एक्सक्यूज मी मैडम, 1 cappuccino प्लीज। ओके मैडम। ये कप में चूना लाने को बोली। हेलो। मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। बात करने में शर्म आती है लेकिन घूरने में नहीं आती ना। मैं आपको एक कविता सुनाऊं? कॉफी डे में कविता? ये मेरी पहली कविता है। सुनाओ। कौन हो तुम विश्व सुंदरी, तेरे प्यार में बावला हो गया ये हरी, कर गई ऐसी जादूगरी कि ये दिल मांगे हलवा पूरी। तुम ही मेरी दिल की धड़कन हो, तुम ही मेरी दिल की सरगम हो, जीने का कारण तुम ही हो, तेरे प्यार में पड़ गया ये चंपू, कसम खाता हूँ कि मैं नहीं हूँ कोई चिपकू। यार मैं कहाँ फंस गई? जब से तुझे देखा है बन गया हूँ मैं लेखक, दिल में हो रही है दस्तक, कह दे कि तू आएगी कब तक, क्योंकि दिल में हो रही है धक धक। तुम हो मेरी मधुबाला, डाल दिया है मुझ पे जाला। ये कविता अधूरी है, कैसी लगी? एक मिनट। हाँ लगता है पढ़ जाएगी। हाँ
अच्छा सुन, उसे निपटा के फोन करती हूँ। ये लीजिए सर। ओह, इस पे तो दिल बना दिया, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे क्या? कविता कैसी लगी तुम्हें? सुपर्ब। किसी लड़की को याद करके लिखा क्या? हाँ, वो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। ये देखो, उसने मुझे मोर का पंख भी दिया है, इसे मैंने संभाल के रखा है बच्चे देने के लिए। तो कितने बच्चे हुए अब तक? इसने तो अभी तक एक भी नहीं दिया है, लेकिन उसके तीन हो गए हैं। तो इसका मतलब उन तीन में से पहले का नाम राजू होगा? जनरली गांव में अपने लवर का नाम अपने बच्चों को दे देते हैं ना? ए नहीं, दूसरे का नाम है राजू, पहले बच्चे का नाम है चंदू। ये क्या कह रही है? पूरा 1947 का मॉडल है। ऐसा क्या? मोर का पंख, वो बच्चे भी देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, एकदम स्टुपिडिटी। ले आ गया तेरा लल्लू राम। हाय राजू। वैसे आज का क्या प्लान है? उसकी ईमेल आईडी है क्या? ईमेल आईडी बस दो और देखती जाओ। ये क्या है? एक के बाद एक अप्सराएं आती जा रही है। क्या टांगे हैं, क्या फिगर है, मजा आ गया। तुम ऑफिस में बैठकर ये सब देखते रहते हो? You're hopeless. रोड पर देखने से मन नहीं भरा तो ऑफिस में देखना शुरू कर दिया। सबको बता दूं क्या? Hey guys, sorry, सुनो, sorry, sorry. मुझे एक मेल आया था, उसे देखने के लिए खोला तो उतने में आप आ गए। प्लीज प्लीज किसी को मत कहिएगा, हम बाहर जाके बात करें। ओके, शॉपिंग मॉल के पास मिलूंगी, आ जाना। फॉलो मी। बचपन में मैं सबसे फाइन लेता था और अब ये मुझसे फाइन ले रही है। अरे इसने तो कमाल ही कर दिया, क्या बात है, शहर की लड़की पटा ली। अरे ये उस लड़की के पीछे क्यों जा रहा है, उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना। ऐसा क्या? अरे छोड़ ना यार, हर एक गोल का गोलकीपर तो होता ही है, तो क्या हम गोल मारना छोड़ देंगे? बोल। अरे हाथ पकड़ा तो अपन बैंड बजाएंगे और नहीं पकड़ा तो शोक मनाएंगे। साला ठरके। जस्ट अ मिनट प्लीज बेबी, आई एम कमिंग। हाय, Can we go for a cup of coffee? Hello, I have a boyfriend. कोई बात नहीं, आपके boyfriend को बार में पार्टी दे दूंगा। वैसे आपके फिगर को देख के लगता नहीं कि आपका सिर्फ एक boyfriend होगा। मुझे भी किसी कोने में एडजस्ट कर लीजिए ना। नहीं होगा? कॉफी डे का बिल, मोबाइल का बिल, होटल का बिल, शॉपिंग का बिल। बाप रे बाप, इन लड़कियों का दिल पाने के लिए लड़कों को कितने सारे बिल भरने पड़ते हैं। अबे दिल के पीछे इतने सारे बिल भरेगा तो कभी बिल गेट्स नहीं बन पाएगा। तूने कैश पे किया या क्रेडिट कार्ड? इससे ज्यादा खर्चा होता ना यार, तो मुझे मेरी किडनी बेचनी पड़ती। ओ, मतलब तेरा सेविंग अकाउंट और शेविंग अकाउंट दोनों खाली हैं। तभी तो तुझसे लोन दिलवाने के लिए कह रहा हूँ यार। हाँ चल दिलाता हूँ तुझे, अंदर चल। हम बैंक में भरोसा करके करोड़ों रुपए जमा करवाते हैं और ये बैंक वाले इस 2 रुपए के पेन को भी इस धागे से बांध कर रखते हैं। कैसे लोग हैं सर, आपका कीमती पेन। वैसे राजू, एक स्टडी के मुताबिक लड़की को लड़के के प्यार में पड़ने के लिए 4 मिनट ही काफी होते हैं, और तू तो उसके साथ 4 दिन घुमा है, पता नहीं क्या क्या किया होगा। ए यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर पता नहीं क्यों उसके साथ वक्त बिताने बहुत अच्छा लगता है। शर्मा रहा बेटे, कुची कुची, चल पैसा उठा। आपके बोलने पर मैंने 1 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया है, लेकिन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा वरना फाइन लगेगा। मिनिमम बैलेंस होता तो हम लोन लेते ही क्यों सर? आप भी ना सर, आपकी तो कंप्लेंट करके वाट लगा देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, ऐसी मेंटेन करते रहिएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके बाय सर। ये ले तेरे निशा के लिए और ये मेरे नशे के लिए। सुना, क्या वो भी मुझे पसंद करती होगी? देख यार, जब एक लड़के को प्यार होता है तो वो उसकी आंखों में नजर आता है और मुझे तेरी आंखों में प्यार नजर आ रहा है, और इसी तरह जब एक लड़की को प्यार होता है तो उसकी स्माइल में नजर आता है, तुझे उसकी स्माइल देखनी होगी। ठीक है, कल ही मैं उसकी स्माइल देखूंगा। स्माइल तो दे रही है, शायद पसंद करती है मुझे। इतने दिनों से फोटोज और वीडियोस देखते आ रहे थे, आज डायरेक्टली देखना शुरू कर दिया, और वो भी मुझे। बताऊं सबको गाइस? रुको, आज कहाँ लेकर चलूं? ओह, डिनर का प्लान है, कहाँ लेके चलोगे? शांति सागर। सम न्यू प्लेस,
न्यू शांति सागर व्हाटएवर फंसी तो फंसी उसे पूरी तरह प्यार का बुखार चढ़ गया है देखा अभी तो 3 हफ्ते भी नहीं हुए उसकी कविताएं सुनने में तो तुझे बहुत मजा आता होगा बिल्कुल नहीं अजीब अजीब कविताएं सुनाकर टॉर्चर करता है यार और नहीं झेल सकती पता है मैं किसी से अपनी चॉकलेट तक शेयर नहीं कर सकती लाइव शेयर करने की तो मैं सोच भी नहीं सकती यू आर सच अ क्रेजी वो तो वहीं खड़ा है वैलेंटाइंस के दिन तेरा बकरा रोज लेकर आया है ऐसा हाल किया है तूने इसका कि आगे से ये किसी लड़की को देखने की भी कोशिश नहीं करेगा के दो अक्षर मेरे प्रेम के परिभाषा बन गए हैं एक छोटे गांव से आए हुए लड़के को आप जैसी शहरी लड़की से प्यार कैसे हो गया यही सोच रही है ना हर एक लड़का चाहता है कि उसकी प्रेमिका को उसके बारे में सब कुछ पता हो आपको मेरी बेवकूफियों पे हंसता हुआ देख मेरी बदमाशियों पर गुस्सा होता देख मेरी कविताओं पर खुश होता देख ये सब देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं और बेवकूफियां करूं और तुम मुझ पर ऐसे ही हंसते रहो तुम्हारे लिए एक कवि बनना चाहता हूँ कहते हैं कि जब कोई लड़का प्रेमी बनता है ना तो वो प्रेमिका का पहला बच्चा कहलाता है और वो प्रेमिका उस बच्चे की दूसरी माँ क्या तुम मेरी दूसरी माँ बनना चाहोगी मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा को अगर हम लव वाला दिन मनाते हैं तो 15th को हमें मौत वाला दिन मनाने चाहिए यस इस पूरे बार को साक्षी मानकर अपने होशो हवास के साथ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका कटे वो एंजॉय ये प्यार ये मोहब्बत किसी के बाप की जागीर नहीं है यहाँ आलू प्याज गाजर मूली सब बिकता है अबे ए इच्छाधारी नागिन पे भरोसा कर लेना लेकिन इन लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना कभी नहीं जो मेरी नहीं हुई उसे किसी और कभी नहीं होने दूंगा तू देखते जा बस अबे चुप कर बे तू कितना शरीफ है अच्छे से जानता हूँ राजू हाय बिजी हो क्या हाँ थोड़ा काम है कॉफी पीने चलें बॉस ने मुझे टारगेट दिया है वो मुझे खत्म करना है ए, इस हिंदी मीडियम गवार के लिए तो सच में परेशान हो रही है क्या बुरा लग रहा है मुझे बेचारा अच्छा लड़का है सर लोन लिया था उसकी पहली किस्त ऑटो इन्हें घर छोड़ देना Thank you.
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राजू, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैंने जो भी किया उसके लिए तुम मुझसे लड़ते या मुझे डांटते तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, खांसती हूँ तो पानी देते हो, बारिश होती है तो छाता देते हो, बस मुझसे बात ही नहीं करते, अवॉइड करते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, प्लीज बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, बस इतना ही। तुम्हें रोना भी आता है? मैंने आज तक किसी के लिए आंसू नहीं बहाए, लेकिन तुम जब जब मुझे याद आते हो मुझे बहुत रोना आता है। जब तुम खामोश रहकर मुझे अवॉइड करते हो तो लगता है अपनी जान दे दूं। जिंदगी में सब गलतियां करते हैं, एक गलती मुझसे भी हो गई, क्या तुम मुझे इसके लिए माफ नहीं कर सकते? मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें प्यार के नाम पर तुम्हें बहुत बड़ा जख्म दिया है, पर अब उस जख्म को मैं अपने प्यार से मिटा देना चाहती हूं। इसके लिए क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? प्लीज, यही इसी वक्त मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये लो, मुझे पहना दो। निशा, उठो। अब क्यों रो रही हो? अगर रोने पर इस तरह गले लगाओगे तो मैं जिंदगी भर रोने को तैयार हूं। उस दिन से मैं प्यार की धुन में खो गया, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी थी। एक मॉडर्न लड़की होने के बावजूद भी अपने प्यार के खाते वो पूरी तरह बदल गई। हम आजाद पंछियों की तरह अपनी दुनिया में खोए थे, और फिर एक दिन हेलो, बी फॉर बेशरम, सी फॉर चालू, डी फॉर फिर छोड़ो। उस दिन टांग देकर भाग गई थी ना, और आज इसके साथ घूम रही है। लगता है तुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तभी तूने हलाल करने के लिए एक और बकरा फंसा लिया। क्यों रे, मैं काफी नहीं था क्या? इसके जेब में पैसा कितना है जरा देखे तो। आहा, मल्टी मिलियनर है दोस्तों। पैसों के मामले में तो ये बड़ा वीक है, एटलीस्ट बिस्तर में तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। Just shut up, okay? Hey, मैं प्रूव कर रहा था कि कितना अच्छा है, I mean love, love की बात कर रहा था। तुम हमारे प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते। Oh, मैं नहीं जानता भाई, पवित्र प्रेम है इनका, डिवाइन लव। ओके, मान लिया कि मैं कुछ नहीं जानता, पर इसके साथ तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा बताऊं क्या? बताऊं? अरे इसका लेवल क्या है, स्टेटस क्या है, तुम्हारी बड़ी बड़ी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? मेरे जैसा आदमी भी तुम्हें मेंटेन नहीं कर पाया, ये क्या करेगा? इसकी हालत तो देखो, बेल्जियम में हॉलिडे पर जाने वाली लड़की हो, ये तुम्हें बैंडस्टैंड भी नहीं ले जा सकता। इतने दिन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवाती रही, अब सिर्फ राशन कार्ड की शक्ल देखना, घासलेट का कैन है ना, जल्दी से ले लेना। जिंदगी पता है किस पे चलती है? पैसा, पैसा, मनी, मनी। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, मंदिर में खाना, मस्जिद में सोना, बस यही रह जाएगा। एक दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम प्यार से किसे बुलाती हो, तुम्हारे घर के कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। बाद में क्या करोगी, क्या करोगी? घर वापस चली जाओगी? मम्मी आई एम सॉरी, मम्मी डैडी आई एम सॉरी डैडी।
तो भी घर में नहीं लेंगे, फिर कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? ओहो, फुटपाथ पर बैठकर तुम लोगों को भीख मांगना शुरू करना पड़ेगा। वन मिनट, हाँ ये लो, मैं तुम्हारी बोनी कर देता हूँ। मैं तो तुम पर पता नहीं कितना लुटा चुका हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। चेक इट, ए रख ले, सी यू ऑन द स्ट्रीट्स, गुड बाय बॉयज। हे राजू, तुम परेशान मत होना, ठीक है? ये इसी तरह का आदमी है, जस्ट इग्नोर हिम। तुम इस पर ध्यान मत देना, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इग्नोर हिम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेलकम यू ऑल टू द ऑल इंडिया बिजनेस मीट। आज के हमारे खास मेहमान है द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, हमारे भारत की शान, मिस्टर दीपक चतुर्वेदी। मुझ पर भरोसा करने वाले हजारों लोगों की जिंदगी को मैंने सवारा है और उन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी सवारी। मेरी कामयाबी के पीछे उन सब का आशीर्वाद और अपनापन है, ऐसा मेरा मानना है। एंड दैट्स द ट्रुथ। एंड ऑसम सर, आई डोंट गिव क्रेडिट टू एनीवन एल्स। राजू, बाप रे इतना बड़ा घर, अंदर कैसे जाऊं, किससे मिलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो रास्ता होगा। Excuse me. Huh? Sir is calling you. Kya mujhe? Yeah, you. Please come. Please come. Yeah, come. This way, please. Sir, he's here. Okay. Namaste, sir. कई दिनों से आप मेरे घर के बाहर चक्कर लगा रहे हो। Is there something I can do for you, sir? मेरा नाम राजू है, राजू श्रीवास्तव। दीपक। नमस्ते सर। Yes, sir. पिछले हफ्ते मैंने आपको इंडिया बिजनेस मीट में देखा था। आप हमारे देश के richest businessman है, ये पता लगा। और मैंने आपके बारे में बहुत स्टडी भी किया। आप छोटे से गांव से आए, हिंदी मीडियम में पढ़े और आज इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। Would you like to have some tea? नहीं सर, रहने दीजिए। बहुत अच्छी चाय बनती है यहाँ पर। Get him some tea. Yes, sir. मैं भी आप ही की तरह एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, निशा को रानी की तरह रखना चाहता हूँ। निशा कौन? जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। ओके, ओके। जिन लोगों ने उसके सामने मेरे प्यार का अपमान किया है, बड़ा आदमी बनके उनका घमंड तोड़ना चाहता हूँ सर। और फिर बच्चों के लिए भी तो कुछ बना के रखना चाहिए ना, मैं नहीं चाहता कि वो भी मेरी तरह तकलीफ में रहे। प्लीज थोड़ा सा समय निकाल कर मुझे गाइड कर दीजिए सर। Are you free tomorrow, sir? Anytime, आप जब चाहें। Good, I'll see you tomorrow then. Okay? Thank you, चाय पीकर जाइए। We make good tea. All right? Take care. Come. ए राजू, ये घर किसका है? तू चुपचाप चलना, दीपक चक्रवर्ती का नाम सुना है? क्या बात कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलना, उन्होंने कहा था कि जब भी मैं फ्री रहूं तो आ सकता हूं, उनसे एडवाइस लेकर ढेर सारे पैसे कमाकर ऐसा ही एक घर बनाऊंगा। ये घर है किसी राजा का महल? कितना बड़ा है? तू चुपचाप बैठना। राजू यहाँ पर तो बार भी है यार। पता है तो चुप रहना। सर प्लीज। क्या मैं? हाँ यार, तुझे ही बोल रहा है, जा। प्लीज बी सीटेड सर।
क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा क्यों किया सर? मेरा हाथ पैर बांधकर सांस रोक दी गई, अगर मैं मर जाता तो? सॉरी ये सब करवाने के लिए सर। थैंक यू। कैसा लगा? मेरी सांस रुक गई थी, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा सर। उस मोमेंट में तुम्हें कैसा महसूस हुआ? सांस लेने के लिए हवा की जरूरत महसूस हुई सर। नहीं मिलती तो मैं पक्का मर जाता। वही तो बात है, जिस तरह तुम्हें लगा कि हवा के बिना तुम मर जाओगे, तो जीत भी तो वैसे ही है या नहीं? जीत ना मिलने पर मैं मर ही जाऊंगा, ऐसी सोच रखने से ही जीत हासिल होगी। या लिसन टू मी, इस दुनिया में तुम्हारा नाम क्या था? राजू। हाँ राजू, इस दुनिया में जीत किसे पसंद नहीं, सबको चाहिए होती है। मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, मिलती है क्या? नहीं। तो जीत कुछ ही लोगों को मिल रही है, मतलब उन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया होगा। हमारी जिंदगी है राजू, हमें ही लड़ना है। ओके I'll see you soon. I need to go now. Okay? Bye. Raju, by the way, success doesn't depend on what you want. It depends on how badly you want it. How badly you want it. यार वो खतरनाक आदमी, उसे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जिंदगी में पैसे कमाने हैं। और जॉब करने से तो इतने पैसे नहीं कमा सकते, बिजनेस ही करना होगा। नहीं तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे। अरे हाँ यार, मैंने तो कभी इस एंगल के बारे में सोचा ही नहीं। तभी तो यार हम जैसे लोग छोटी सी गाड़ी नहीं ले पाते और वो लोग बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं। हैं? तो तूने डिसाइड भी कर लिया क्या? तेरा रेजिग्नेशन लेटर ये तो ओके, कि दूसरा किसके लिए? ये एक मेरा है और ये तेरा। अबे पापी, अपनी लाइफ बर्बाद करना मेरी क्यों कर रहा है? राजू रुको, ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर है। तुम पागल हो गए हो क्या? रिजाइन देके क्या करोगे? निशा, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बॉस इंटरव्यू चेंबर में है, मैं उन्हें देकर आता हूँ। मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? सर अंडा सर। नो, मुर्गी ही पहले आती है, अंडा कभी भी पहले नहीं आता बेटा, क्योंकि वो पीछे से आता। यू गॉट इट? गॉट इट सर। नाइस है? नाइस सर। गेट आउट है, गेट आउट है। चिड़िया का घोंसला उगा के दिमाग खराब हो गया इसका। मुर्गी पहले आई है या अंडा पहले आया है? सर वही आएगा ना जो पहले ऑर्डर करेंगे। तो फिर आ गए यहाँ पे। गेट आउट, ऐसे करें बाहर निकाले इसे। सर प्लीज सर, सर सर सर, आप उस टाइप के समझकर उस दिन मैं आपके साथ गड़बड़ कर बैठा सर। आप शरीफ हैं ये जानने के बाद ये शेर की औलाद अब चूहा बन गया है सर। सॉरी सर। अच्छा ठीक है, कहाँ तक पढ़े हो? BSc सर। ठीक है, न्यूटन का लॉ बताओ जरा। लॉ? सर मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ सर। तो फिर? केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ सर। अभी दिखाता हूँ सर, एक मिनट जरा। ये किस टाइप की केमिस्ट्री है? बंद कर, सिगरेटी, इसको बाहर निकाल। अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे सर, सर्टिफिकेट अंदर रखा है, वही निकाल रहा हूँ सर। ये देखिए सर, लीजिए। मेरे तो पसीने ही छूट गए। फिजिक्स में तो तुम बहुत ही वीक हो। मैं फिजिक्स में तो वीक हूँ सर, लेकिन फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ सर। अभी दिखाता हूँ सर। बंद करे सिक्योरिटी। अरे आप फिर गलत समझ रहे हैं सर, जिम जाकर जो मैंने बॉडी बनाई है ना, वही दिखा रहा हूँ सर, बॉडी सर। बंद करे मेरी कंपनी में तुम्हें काम नहीं मिलेगा। आउट है, मुझे क्या समझ के रखा है तूने? सिक्योरिटी जल्दी आओ, सेंड हिम आउट। क्या है ये? लीजिए सर। क्या है ये? हम दोनों काम छोड़ रहे हैं। अरे तुम सब ऐसे काम छोड़कर फरार हो जाओगे तो मैं फरारी कैसे लूंगा बताओ? अब तो मैं खुद ही फरारी चलाने की सोच रहा हूँ सर।
अगर तू फेरारी का ड्राइवर बनेगा तो क्या ये क्लीनर बनेगा? सर वो हमारा फाइनल सेटलमेंट कर दो ना। नहीं होगा, फॉर्मेलिटी सब पूरी होने के बाद ही नेक्स्ट वीक सब क्लियर कर दूंगा। अरे सर नेक्स्ट वीक क्यों करेंगे, सामने चेक है, पेन भी है, फटाफट साइन कर दीजिए और हम लोग चुपचाप निकल जाएंगे। देख बेटा, समझो तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक तुम्हारा एक्सीडेंट होकर तुम मर जाते हो, तब तुम्हें वहीं पर दफना देंगे क्या, या फिर घर पर लाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद दफनाएंगे? घर पे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद दफना देंगे। यू गॉट इट, नाइस ना, गेट आउट, भागो यहाँ से। सर वैकेंसी खाली होगी अब तो काम मिल जाएगा ना सर। ए, तो भागो यहाँ से। सर एक बार आप देख लेंगे तो। तुम बार बार बटन मत खोलो समझे? सर मैं तो लगा रहा हूँ। लगा और तू भाड़ में जा, भाग यहाँ से। अरे यार अच्छा खासा पगार मिल रही थी मुझे, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं था, मेरी नौकरी छुड़वा कर मुझे इसने रोड पे ले आया है। बिजनेसमैन बनने से पहले एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहिए। Excuse me, मैडम। क्या चाहिए? आपसे जरा बात करनी थी। तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता क्या? क्यों मैडम? वहाँ गेट पर क्या लिखा है पढ़ो। कुत्तों से सावधान और सेल्समैन नॉट अलाउड। ओ अच्छा, ये हमारे लिए लगा होगा और ये घर के मालिक के लिए लगा होगा। मैडम घर में आपके पति है क्या? वो किस लिए? वो आपने बोर्ड लगाया ना बी अवेयर का, इसलिए। ओ जी, ये लोग आपको कुत्ता कह रहे हैं। निकल ले, चुपचाप निकल ले। हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स और घर के आइटम भेजते हैं। ये ब्राइटनिंग किट है मैडम और ये वाला वाइटनर है। अरे सुनो, कल बहू की बारात का एपिसोड देखा क्या? और ये 5 हेयर कलर है मैडम, इसमें से आप एक मिनट रुको। हेलो, मुन्ना ने फिर से पार्टी कर दी। मैडम ये हेलो बेटा, मम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? लिख लिया बच्चों। All mosquitoes gone. इसे मैडम को मार दूं क्या? इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक किया? इसीलिए कहते हैं अच्छी तरह पढ़ना लिखना चाहिए, नहीं तो बड़े होने के बाद इनकी तरह हो जाओगे। करेक्ट। यार क्या हो गया? तेरे कारण बच्चों के सामने कचरा हो गया। मैडम मैडम माई। राजू हमें और इसमें कोई फर्क नहीं है क्या? ए तू चुप ना, हरदम रोते रहता है। मैडम ए माई। अरे मैडम आ गई, मैडम मैडम आ गई। मैडम ये मॉस्किटो बैट। ए चलो भागो यहाँ से। अबे मैडम को हमने और इसमें कुछ ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रेता और कुत्ते बाहर रहे। हेलो सर, हाउ आर यू? नमस्कार। बाहर दरवाजे पर पट्टा नहीं देखा आपने? पट्टा मतलब क्या? हाँ बोर्ड। ये एक हिंदी अध्यापक का घर है, मुझसे हिंदी में ही बात करना बोलो। ठीक है सर, बिल्कुल। माध्यम नहीं बोल सकते क्या? कठिन है क्या? हाँ 26 अक्षर हैं, केवल 26 अक्षर हैं अंग्रेजी में, कोई बराबरी नहीं हमारी हिंदी की। लगता है हिंदी की हमसे भी क्या होगा इस देश का। आग लगी है घर में, जरा भी ठंडक नहीं है इस घर में। क्या कर रहे हो? आपने कहा कि आग लगी है। मेरे गुरु जी कहा करते थे मरते दम तक हमारी भाषा को जिंदा रखो। कौन है माँ? हम सेल्समैन है। गुरु जी हम तो विक्रेता है, चीजें बेचने के लिए आए हैं। लगते भी वैसे ही हो, बोलो। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर। देखो 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 इसे। गुरुजी ये हमारी वस्तुएं हैं ना? ये शोभा नहीं देता। पूरे आदर से गंभीरता के साथ सामग्री कहो, समझ आया? मैं समझ गया। इस सोप में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे तू चुप कर, इसे क्या कहते हैं सर, वो दरअसल ये सुगंध से परिपूर्ण साबुन है सर, इसे लगाने से हमारी त्वचा चकाचक चमकने लग जाती है। फेंको इसे। और क्या सर? ट्रिमिंग मशीन। अरे नहीं 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 सर, सर ये दाढ़ी छटाई करने का यंत्र है। दाढ़ी छटाई करने का यंत्र सर? छटाई कैसे करूं, मैं तो दाढ़ी नहीं रखता सर। स्विच बोर्ड। अरे 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 तू क्या कर रहा है सर? ये विद्युत आगमन का निरागमन का विद्युत यंत्र है सर। हिंदी बोलने का ठेका तुमने ले रखा है। शैंपू फिर हक दिया इसने। अब अरे सर ये वो केश मर्दना द्रव्य है सर। मर्दना? क्या है मर्दना? यहां पर कोई प्रदर्शन चल रहा है क्या सर? नमक। नमक आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? अरे बाप रे फिर से गलत बोल दिया। अरे वो टूथ को क्या बोलते हैं और पेस्ट को क्या बोलते हैं? ओ दांतों को घिसने वाला लेप सर। सर इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, फलाना नीमका सब है सर। ले लीजिए बच्चों, कितना रुलाओगे? इधर आ। क्या लेना चाहेंगे सर? इसे क्या कहते हैं?
कोई बात नहीं यार, ये नहीं तो कोई और ले लेगा। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सब कुछ यहीं पे फेंक के जाऊंगा मैं। अबे दादी, दादी को मैं अपना कस्टमर बना लेता हूँ, तू सामने वाले घर में जा। अच्छा ठीक है, तू जा जा, मैं आ जाता हूँ। इस दादी को आज कुछ ना कुछ तो बेच के रहूंगा। अरे दादी, यहाँ रस्ते पर क्यों बैठी हो आप? क्या परेशानी आपको? देखो मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए ये। रुक जा बेटा, सुन, मैं अपना दुखड़ा किसी को सुनाना चाहती थी। अच्छा हो गया तू आ ही गया। बेटा बेटा, मुझे 3 बेटे हैं, लेकिन उसमें से एक भी मेरा ख्याल नहीं रखता। सबके सब जोड़े के गुलाम बन गए हैं। जो उनकी बीबियां कहती है बस वही सुनते हैं वो लोग। क्या इसी दिन के लिए मैंने उनको पैदा किया था बेटा? अरे सुनो ना, मैं चलता हूँ। अभी खत्म कहाँ हुआ है? मेरे लायक कोई भी चीज नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे सर, आपके लिए मेरे पास एक मस्त आइटम है, ये लीजिए, पेश है डॉग बिस्किट। टेस्ट करना चाहेंगे क्या? मुझे भी पिला दे। राजू, ये सब करने की क्या जरूरत? तुम्हें इस तरह परेशानी में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और ये सब सिर्फ मेरे लिए? नहीं होगा सर, अब सच में नहीं हो पाएगा। सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। कमिया, कम। कैन यू गिव मी अ मिनट? आई विल कॉल यू बैक। श्योर सर। तुम्हें घर बुलाकर मैंने तुमसे बात क्यों की पता है? फर्स्ट टाइम? नहीं। मैंने तुम्हारे अंदर एक स्पार्क देखा था उस दिन, वन स्पार्क, जिंदगी में कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का एक जुनून, जज्बा, इसीलिए अंदर बुलाया था। तुम्हें दूसरे दिन बुलाकर बात की उसी स्पार्क के कारण। सपोज एक खजाना है यहां पर, फर्ज करो ऐसे ही एक ट्रेजर, एक खजाना, उसके पास पहुंचने के लिए तुम्हें 15 फीट खुदाई करनी है, क्या करोगे तुम? उसे खोद के निकालूंगा। सो, खुदाई करके आसानी से तुम खजाना ले जाओगे, बीच में कुछ मिलेगा नहीं क्या? पत्थर मिट्टी बहुत रुकावटें आएंगी। तो पत्थर मिट्टी से क्या कहोगे, मुझे खजाना पाना है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं सर, मेहनत करके निकालूंगा। क्यों? खजाना मिलेगा ना सर। तो खजाना पाने के लिए मेहनत करोगे, बीच में आने वाले पत्थर मिट्टी कांटे निकाल बाहर करोगे, पर जिंदगी में आने वाली तकलीफों को फेस नहीं करोगे, इज इट? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, सक्सेस उनके पास चलकर नहीं गई थी। ऐसा नहीं कि उन्हें रुकावटें नहीं मिली, जो उन्होंने फेस किया वो तुम भी फेस कर रहे हो, पर उन्होंने मर्दों की तरह फेस किया। ओके? डर कर भागे नहीं, समझे? बी ए मैन। हेलो। हेलो, निशा है क्या घर पर? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मालकिन उन्हें अस्पताल लेके गई हैं। क्या हॉस्पिटल में? गार्डन में निशा नाम की कोई पेशेंट एडमिट हुआ? डॉक्टर, निशा कैसी है अब? राजू, तुम ही हो क्या? हाँ डॉक्टर, मैं ही राजू हूँ, वो ठीक है? वो तो 24 घंटे आप ही को याद करती है, मेंटली बहुत वीक हो गई है, दिमाग पर बहुत ही जोर ले लिया उसने। डॉक्टर प्लीज मेरी निशा को ठीक कर दीजिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे पैसे देने की बजाय उसको समय दीजिए आप, उसे आपका साथ चाहिए। इफ टाइम इज मनी, गिव हर टाइम देन योर मनी।
ये सब क्या है? एक बार बता तो देती। एक बार भी बताने के लिए तुम मुझसे नहीं मिले ना राजू। आई एम सॉरी निशा, तुम्हें तो पता है ना बिजनेस में कितना टेंशन होता है। अगर अभी मेहनत करूंगा तो हम जिंदगी भर खुश रह पाएंगे ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने बहुत पैसे देखे हैं पर सच्चा प्यार मैंने सिर्फ तुम में देखा है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं समझ सकता हूँ निशा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितनी खुशियाँ दी हैं, पर मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैंने परसों ही एक फ्लैट खरीदा है, आज मैं तुम्हें वहाँ ले जाने वाला था। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारी कमाई हुई चीजों के साथ नहीं। ठीक है तो तुम क्या चाहती हो बताओ। तुम ये सब छोड़ दो, तुम और मैं साथ मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं खोना चाहती राजू। ऐसे अचानक से कैसे छोड़ सकता हूँ निशा। ओके, लेकिन तुम्हें पता है मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है और उससे हम बहुत पैसे कमाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बट मुझे कल ही जाना होगा और वापस लौटते ही हम शादी कर लेंगे। कल के कल ही अपने माँ बाप से हमारी शादी की बात कर लेना, ठीक है ना। पर ये आखिरी बार है, इसके बाद तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, प्रॉमिस मी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है राजू। यूएस जा रहे हो, कितनी बार कहा कि अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख लो। नहीं, मुझे इंग्लिश आती है। पता है कितनी आती है। देखो आई स्पीक इतना ही इंग्लिश, यू वॉन्ट और नॉट। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो उन लोगों को हिंदी सिखा कर आ जाऊंगा। वैसे भी उनकी भाषा सीखने की क्या जरूरत है, पैसे तो कमा ही रहे ना। पहले जाकर एक ट्रांसलेटर अपॉइंट कर लेना। I want little advance. I want Indian currency. Congratulations, Indian. Thank you, sir. क्या नाम है लड़के का? राजू। वाह बेटा, तुम्हारी पसंद है। Hi, निशा। मेरा भी यहाँ काम हो गया, मैं कल ही इंडिया आ रहा हूँ। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? अ ड्रिंक। अ ड्रिंक प्लीज टेक, थैंक यू। थैंक यू। नो थैंक्स।
मेडिकल कॉलेज बताया है। सभी यात्रियों के परिवार वालों पर शोक के बादल छाए हुए हैं। प्लीज मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन दीजिए ना बेटा, मेरा राजू, मेरा राजू। चेक करिए ना, बढ़िया मत। प्लीज ध्यान दीजिए मेरी। मैडम प्लीज बताइए ना, ऐसा मत बोलिए। बेटी, बेटी निशा। कहाँ फंस गया मैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। करने के लिए यू शुड बी नीडी नॉट ग्रीडी। आशा और दुराशा के बीच एक थिन लाइन होती है, यू शुड नेवर क्रॉस इट। सर, आप तो इतने बड़े आदमी हैं और यहां इतनी सिंप्लिसिटी। पैसे से सब पा सकते हैं पर प्यार नहीं। अनाज की कीमत चुकाई जा सकती है पर उसका मोल समझना मुश्किल, इसे समझना होगा। हम यहाँ जो दान धर्म करते हैं ना राजू, इससे हमें लोगों की दुआएं मिलती हैं। फाइनली यही काउंट होता है, अकाउंट में कितने पैसे हैं वो नहीं, लोगों के दिलों में घर बनाना चाहिए, उसे अमीरी कहते हैं। हाँ,
पैसे लुटा कर क्या भला हो सकता है। अरे सब वक्त वक्त की बात है भाई, जेब भरी हो ना तो दुनिया मुट्ठी में रहती है। तुम्हें तो पता है बिजनेस में कितना टेंशन होता है, अगर अभी मेहनत करूंगा तो हम जिंदगी भर खुश रह पाएंगे ना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती राजू, ऐसा नहीं कि जिनके पास पैसा है वो खुश हैं। जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा ही जिंदगी नहीं, किसी बड़ी चीज के पीछे भागते हुए जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां छोड़नी नहीं चाहिए। उस दिन मुझे पता चला कि पैसों से बढ़कर भी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। नहीं आ रहा।
ये लास्ट है, इसके बाद तुम मेरे साथ रहोगे, ये प्रॉमिस करो राजू। बस दो दिन की ही बात है, तीसरे दिन आकर मैं तुमसे। ये प्यार भी ऐसा ही है, लड़के को पता होता है तो लड़की अनजान रहती है, लड़की को पता होता है तो लड़का अनजान रहता है, और दोनों को पता चलने पर उस भगवान को पता नहीं होता। बॉस आखिर कर क्या रहे हो? रोड पर पत्थर हो तो जूते पहन के चलना होता है, और मैं जूतों में पत्थर डाल के चल रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे यार, इस पेड़ पर बैठकर प्यार को पाने के ख्वाब देखना, पता नहीं मेरे प्यार का क्या अंजाम होगा। हे मानव, तू कितना अजीब है, मनुष्य का मृत शरीर छूने के बाद तू नहाता है और जानवर को मारकर खाता है। जब लोग जिंदा होते हैं तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, और मरने के बाद आखिरी बार शक्ल देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। पता नहीं मैं यहाँ से कभी निकल भी पाऊंगा या नहीं। कितना बड़ा आइलैंड है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। Doing here? This is my place. This is my land. How did you touch it? How dare you? कौन है ये? दिखने में तो लड़की जैसी लग रही है। डूबने वाले को तिनके का सहारा सुना था, पर ये तो अंग्रेजी में बड़बड़ करके मेरा दिमाग और खा रही है। Wait, यहाँ से निकलना पड़ेगा। Where are you going? Speak to me. Don't be afraid. अरे यार, ये अंग्रेज़न तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। Sorry, I was a bit rude. I was alone all my life here. Let's be friends. You speak speed English. It not go here. No follow. Go. Wait. No follow. Please, go. Wait. Go. Wait. अब मैं इसे कैसे समझाऊं? ये तो पीछे ही पड़ गई है. No follow. Go. Go back. Go. Go. Hey, wait. यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं? Hey, wait. लेकिन ये भी किसी जानवर से कम नहीं. I'm following. No hey, follow. Wait. Go. No follow. Go. Where are you no going? Follow. Hey, wait. इसका क्या करूं मैं? लगता है पिछले जन्म में इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए भूत की तरह मेरे पीछे ही पड़ गई है। नो फॉलो, आई से नो फॉलो, यू नो अंडरस्टैंड? गो। दिखने में तो फॉरेनर जैसी दिखती है, लेकिन इसकी इंग्लिश तो मेरे से भी खराब है। Where are you going? We could be friends. How did you come here? You tell first. How you come here, huh? I was in a big ship with my mother. And the ship sank. After she bring me here when I was so small. After she died, I grew up alone. Oh, ship sink. Titanic. Titanic? Big ship. Hero drawing, heroines. Oh, drawing. I love drawing. Come, let's draw. Draw? You drawing? Yeah. I sleep like Titanic heroine. वो भी बिना कपड़ों के। ये तो चालू लग रही है। You didn't say why you came here. Why? वो ना हमारे गांव में लड़कियां कम थी, किसी आइलैंड पर मिल जाएगी ये सोचकर कूद गया। हाँ नहीं तो। What? Same story. You ship, I flight. दिमाग मत खाओ, पकाओ मत ना। What? Bore हो रहा है तुम्हारे साथ, please पकाओ मत ना। You get bored? Let's play game. Game? पर तुम्हारे साथ खेलूं क्या? Wait, I'll show you. हे भगवान, पता नहीं अब क्या दिखाएगी। Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream.
यार ये तो गाना भी इंग्लिश में गाती है। You didn't like अरे it? बहुत पसंद आया मेरी माँ। Let's play another game. हा? Let's count the stars. एक और खेल? Let's start counting. 1,20,344 कुछ पल्ले नहीं पड़ा सिर्फ हूँ कर रहा हूँ पता नहीं अंग्रेजी भाषा कब पीछा छोड़ेगी मेरा Come, let's take bath. Huh? What bath? Hmm? You and me? Yes. Boy, girl, milke bathing? Shame, shame, puppy, shame. You go. No, you don't want? Arre, tum jao na, yaar. Okay, I'll go. ये क्या? ये बड़ी हो गई है, इसे पता नहीं क्या? हे ऊपर वाले, और कितनी परीक्षा लेगा मेरी? मौसम इतना रोमांटिक बना रखा है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी यहाँ नहीं है ऊपर से किसी और लड़की के साथ मुझे फंसा दिया नो 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 लवर फर्स्ट फिगर नेक्स्ट हाँ हे ऊपर वाले ये सब दिखाने से तो अच्छा मुझे ऊपर बुला ले या मुझे घर पहुंचा दे मंदिर के घंटी की आवाज भी 7 सेकंड के बाद सुनाई नहीं देती उसी तरह जिंदगी में भी हर चीज का एक न एक दिन अंत होना ही है किसी खोई हुई चीज को पाने की कोशिश करना जायज है पर जो जा चुका है उसकी उम्मीद करना पागलपन है बेटी ऐसा कोई जख्म नहीं जिसे वक्त भर ना सके जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है एक बार सोच के देखो बेटा क्या क्या नहीं है इस दुनिया में 2G 3G 4G और यहाँ तो एक पार्ले जी भी नहीं मिलता Where are you from? इंडिया यू नो इंडिया वेरी बिग कंट्री पीपल वेरी शाय बट पॉपुलेशन वेरी हाई टोटल कंफ्यूजन देयर वन स्मॉल प्लेस मलेनाडु मलेनाडु नो 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 मला मला मींस शिट मलेनाडु मले मींस पहाड़ हिल्स या व्हिच लैंग्वेज यू स्पीक ऑलवेज हिंदी शुद्ध हिंदी यू नो ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आई आल्सो वांट टू लर्न हिंदी आहा सुनकर बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे जितना अगर 10% इंटरेस्ट भी हमारे हिंदुस्तानियों में भी होता ना तो हिंदी और हिंदुस्तान का नाम जुबा जुबा पर होता खैर इंग्लिश सीखने वाले 100 दोस्तों के बजाय तुम जैसी हिंदी सीखने वाली एक ही दोस्त बहुत है मैं तुम्हें सिखाऊंगा चलो आ आ आ आ आइटम गर्ल की तरह फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है ठीक से पढ़ो ई ई ई ई This is my mom and I miss her so much Don't worry. Painting. It's fine. Wait, I'll get some more for you. Go, take it. Arey. Namak wale toothpaste se ye bhi acha hai. You know anguthi wala khel India mein? I'll put this in mitti. Fir dekhte hain pehle kaun jeetta hai. तुम जीत गई। काश ये जहाज थोड़ा और पास आ जाए। Hey Raju, come. I found a fish. No. No? अरे रे। इसको पकाकर खाएंगे ना बहुत टेस्टी लगेगा। Full taste.
हाँ सिपिया मोती ये सब तो निशा को बहुत पसंद आएगा। अपनों से दूर होकर अकेला हुआ तो कोई पराया अपना साथी बन गया। वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन निशा से मिलने की तड़प दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। Hey Raju, wait Raju, let's go. I found something under the tree. What happened? I don't know. It's something. Come, I'll show you. See there, this is it. What is this? सोमरस है ये। मेरे लिए तो गम बुलाने की दवा है। वैसे मैंने तुमसे अब तक पूछा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? नेम? Elizabeth। अल्लाह की भात? I know, राइस भात, लेमन भात, मीठी भात, अल्लाह की भात। Daily you take मेरे सामने बात, बाबा क्या बात है। चची तू आज के बाद नो बात, ओनली साथ, तुम मेरा साथ देती रहना। हेलो इंग्लिश लेडी, डोंट स्लीप ऑन माय बॉडी। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, एक मिनट अभी बताता हूँ। शी इज निशा, माय गर्लफ्रेंड, माय लवर, मैरिज, touch here, you here, I here, you touching, no feeling, why, no love, I here, Nisha there, no touching, but dil mein feeling, why, true love, is tarah mera muh kya dekh rahi ho, lagta hai ise meri English samajh mein nahi aayi, Hindi mein samjhana padega। एक गांव में एक लड़का था, उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़के के पास उस लड़की को घुमाने के लिए गाड़ी तक नहीं थी। उसे पता चला तो कहीं मैं बुरा ना मान जाऊं, अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ घूमने का चांस मिल गया। ऐसा कह देती थी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन उस लड़के को उसमें खुशी नजर आई, रोड पर नहीं तुझे आसमान घुमाऊंगा बोलकर हवाई जहाज लाने गया और उसे अकेला छोड़ दिया। और अब उस हवाई जहाज में कितने लोग मर गए और मैं मरकर भी जिंदा हूं। मैं क्या देख रहे हो ऐसे, मेरी बात झूठ लग रही है, मैं सच कह रहा हूं। कहते पानी में चेहरे दिखते हैं लेकिन शराब में पूरा दिल दिखता है। इस दिल के दर्द को मैं किसको सुनाऊं? गॉड, यू आर वेरी बैड, तूने मेरी लाइफ को जहन्नम बना दिया। अब मैं समझ चुका हूं जिंदगी में खुशी सबसे बड़ी नहीं है, पर खुश रहने के लिए किसी का सच्चा प्यार ही काफी है। गॉड, तू मुझे सदा तड़पा रोना, लेकिन एक बार मरने से पहले मुझे बस एक बार निशा से मिला दे, निशा से मिला दे, प्लीज निशा से मिला दे। Just
this for you. Take it. Raju? Raju? Raju! डूबेगा नहीं, फ्लोटिंग फ्लोटिंग इसी पर जाएंगे। दिल में है धड़कन और धड़कन में हो तुम। तुम नहीं निशा, तुम मींस यू, मैं मींस मी, कम मींस आओ, आओ गो मींस जाओ। पानी का सागर पार करने के लिए हमें नाव चाहिए, संसार का सागर पार करने के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। आह क्या बात है, कल हमारा सफर शुरू होगा। Mother used to tell me that one day someone will come for you. After she died, I grew up alone, and I was waiting for that someone. And I never felt lonely. I always had silent ocean, blue sky, and sparkling stars with me. And one day, you came into my life. You make me smile. You show me what happiness is. It's love. And now you want to go back? I feel lonely. I feel like my happiness is going away. Please don't go. Please stay with me. Please don't leave me alone. ओ मेरी निशा, अब तक तो मुझे आ जाना चाहिए था। यस, आ गया आ गया, जहाज आ गया, चलो चलो।
नमस्ते। अच्छा मिला है। हमारे ठाकुर जी ने बिटिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप के बहुत सारे सपने होते हैं, और हमारी निशा ने तो बचपन से कोई तकलीफ देखी ही नहीं है और आगे भी नहीं देखेगी। सिर्फ घर ही नहीं अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा है। ये जानने के बाद हम सब ने मिलकर निशा को शादी करवा। जिंदगी में मैंने कितनी तकलीफें झेली, लेकिन अपनी निशा को किसी और का होता देख मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों तुमने ऐसा क्यों किया निशा? क्या तुम नहीं जानती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? मैं लौट कर आऊंगा, क्या तुम्हें इतना भी यकीन नहीं था? हमने जिंदगी भर साथ रहने का सपना देखा था, तुमने इतने में ही हार मान ली। इतने दिन तुमसे दूर रहकर भी तुम मेरे पास ही थी, और आज इतने पास होकर भी तुम मुझसे कितनी दूर हो। पास जीने की कोई वजह नहीं। इस जिंदगी में मैं सब कुछ खो चुका हूं। अगर कुछ बचा है तो वो है मौत।
कहते हैं कि मरने से पहले सभी के सामने उनके जीवन के कर्म दिखाई देते हैं। जिंदगी में हर किसी से उम्मीद की कि वो मेरे लिए कुछ करे, लेकिन मैंने जिंदगी भर किसी के लिए कुछ नहीं किया। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई ये सोचकर मैं जान दे दूंगा तो इससे किसका भला होगा? मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, मेरी खातिर जान गंवाने वाली वो लड़की, उसके साथ भी नाइंसाफी होगी। जिनकी जिंदगी मौत से भी बदतर है वो भी जी रहे हैं, तो मैं क्यों मरूं? जिंदगी में जिन्हें खो दिया उनके लिए मरने की जगह जो जिंदा है उनके लिए जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर उनका सहारा बनना चाहिए। हाँ, मुझे मरना नहीं चाहिए, मुझे जीना चाहिए, मुझे जीना होगा, मुझे जीना ही। जीवन सबसे कीमती है। हम जीवन में जो भी खोते हैं उसे वापस पा सकते हैं, लेकिन नया जीवन नहीं पा सकते। राजू, निशा सर, आपको ये कहाँ मिला सर? हाँ, मेरा मान रखने के लिए वो इस शादी के लिए राजी हुई, अब मुझे भी उसके प्यार का मान रखना होगा। भाई रुको एक मिनट, बॉस जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है तब आप नहीं देते, और जब हम उसकी उम्मीद छोड़ देते हैं तब बिन मांगे दे देते हो। क्या हुआ, मरना चाहते हो? जाओ मरो, जाओ ना। क्या तुमने मुझे इतना ही जाना है? तुम्हें इतना भी यकीन नहीं था मुझ पर कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी? जिंदगी भर साथ रहने का सपना दिखाया था तुमने, इतनी जल्दी हार गए तुम। तुम इतने दिन दूर रहे मुझसे, अब पास आए हो तो फिर से दूर जाना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से।